किसान आंदोलन संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मनुदेव सिंसिनी के नेतृत्व में भरतपुर के किसानों ने एक प्रमुख संस्थान के पत्रकार के खिलाफ नारेबाजी की और अखबार की होली जलाई। दरअसल प्रदेश के प्रमुख अखबार के संपादक एलपी पंत ने किसानों को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने किसानों को भेड़िया, डकैत, लुटेरा और दंगाई जैसे शब्दों से इंगित किया था। इसे लेकर सिंसिनी ने कहा कि लोकतंत्र में किसी समाचार पत्र की ऐसी असभ्य और अमर्यादित भाषा का हम विरोध करते हैं। पत्रकार का काम है खबर को जनता तक पहुंचाना, ना कि अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करना। उन्होंने कहा, पूरे देश का किसान एक कुनबे की तरह राकेश टिकैत के साथ खड़ा है। हम अपनी जान देकर भी किसान और किसानी को बचाने के लिए तैयार हैं। जो किसानों पर एक दैनिक भास्कर पत्रिका के संपादक द्वारा एलपी पंत जी द्वारा जो अभद्र टिप्पणी कही, उन्हें दंगाई, डकैत, गुंडा और पुलिस को ये कहा गया है कि उन्हें मार पीट कर दिल्ली से भगाया जाए, उसके विरोध में आज भरतपुर के किसानों ने, युवाओं ने दैनिक भास्कर अखबार की पट्टियां जलाई हैं। साथ ही साथ कल जो गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत साहब के साथ सरकार ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, उन्हें गिरफ्तार करने की, मारने की जो एक प्लानिंग चल रही थी, जिसे किसानों ने रातों रात वहाँ पहुँच कर विफल किया, उस सरकार की प्लानिंग के विरोध में राकेश टिकैत के समर्थन में किसान भरतपुर का खड़ा हुआ है। आज वही संदेश देने के लिए यहाँ सारे किसान और युवा एकत्रित हुए कि भरतपुर का किसान राकेश टिकैत जी के समर्थन में, जब तक ये तीन काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे तब तक पूरे देश का किसान सड़कों पर इसी तरह से आंदोलन रहेगा।